Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class, continued video lecture, which is a part, and we can say in my notes, it is the last part that we have to go to know a little bit of more about Quora, because the chapter is based on Quora and Silk Road. तो Silk Road के बारे में तो मैंने तुमको बहुत बताया, Quora के बारे में भी मैं तुमको बहुत बता चुका हूँ, वीड पिक्स से लेकर के आपके टेक्स्ट में भी मैंने नोट्स में बताए हैं. उसके बाद हम लोग चैप्टर का कैरेक्टर्स भी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, कौन कैरेक्टर क्या क्या रोल है ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं. और अब मेरे नोट्स में एक लास्ट सेक्शन है टेक्स्ट बुक शुरू करने से पहले, जिसमें हम बात करेंगे कि Quora करने जो लोग Quora पिलग्रिम पे जो लोग जाते थे वो लोग लासा नाम के जगह से, लासा सिटी का पिक भी हम तुमको दिखाए हैं तिब्बत में, और ये भी एक Quora उस सिटी के का सरकम एम्बुलेंस करके भी एक Quora, एक टाइप ऑफ Quora किया जाता है. ये सब प्रीवियस वीडियोस में हम लोग जो Quora चैप्टर में किया है वो है माउंट एवरेस्ट का Quora. तो लासा नाम के जगह से निकल के दार्चेन नाम के जगह पर पहुंचना पड़ता था हर यात्री को, हर तीर्थ यात्री को जो माउंट कैलाश को Quora करना चाहते थे. मैंने आपको पिक में एक दिखाया था कि माउंट कैलाश का जो Quora का 52 किलोमीटर्स का सरकम एम्बुलेंस है वो भी मैंने आपको दिखाया है. नहीं जानते हो ये सब तो थोड़ा वीडियोस को देखो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं. उसके बाद लासा नाम के जगह से सबको दार्चेन जाना होता है, और दार्चेन से फिर पैदल 52 किलोमीटर्स का परिक्रमा करना होता है माउंट कैलाश का. अब ये जो लासा से दार्चेन जाने तक का मुख्य रूप से दो रास्ते हैं. एक है नॉर्थ रूट टू दार्चेन और एक है साउथ रूट टू दार्चेन. बोथ रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सिटी ऑफ लासा इन तिब्बत. तो शुरू दोनों नॉर्थ और साउथ रूट एक साथ होते हैं एक ही जगह से, लेकिन फिर दोनों आगे चल के अलग अलग रूट हो जाता है. अब ये भी एक कॉमन बात है, आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से अगर जोड़ करके देखिएगा तो अगर आपको एक किसी जगह से कोई दूसरी जगह जाना होता है, चाहे वो छोटा डिस्टेंस हो
चाहे वो बड़ा डिस्टेंस हो, देन मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव मोर चॉइसेस ऑफ द रूट्स कि किस रास्ते से जाएं। शहर में भी जब आप ड्राइव करते हो तो कहीं जाना होता है आपको डेस्टिनेशन पे, तो आप ये ज़रूर सोचते हो कि किस रूट से जाएं कि हम जैम वगैरह में न फंसे और आसानी से पहुंच जाएं कन्वीनियंटली उस जगह पे। तो ऐसे ही लासा नाम के जगह से दार्चेन तक जाने का दो रूट था मुख्य रूप से, एक नॉर्दर्न रूट और एक सदर्न रूट। एक नॉर्दर्न रूट और एक सदर्न रूट, ये दोनों रूट थे। और लासा से दार्चेन तक का डिस्टेंस चाहे नॉर्थ रूट से करे चाहे साउथ रूट से करे, है ना, वो लैंड वे ट्रैवलिंग होता था, मतलब रोड से जाना है। हमने पढ़ा भी था कैरेक्टर पढ़ते वक्त कि सेतन नाम के एक कैब ड्राइवर को हायर किया था नरेटर ने। तो दोनों रूट जो है ना, नॉर्थ और साउथ रूट, दोनों का डिस्टेंस मतलब किलोमीटर्स में अलग अलग आता है। अब ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, इस चैप्टर से कैसे ये रिलेटेड है, कि हमारे नरेटर निक मिडिल्टन दोनों में से किस रूट से जाते हैं, जो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि लासा से वो निकलेंगे, लासा में रावू नाम के जगह से, तो वो नॉर्दर्न रूट से जाएंगे कि सदर्न रूट से जाएंगे। दो रूट्स हैं। तो यहाँ जो हाईलाइट किया हुआ है उससे ये बताया गया है कि वो नॉर्दर्न रूट को चुनते हैं जाने के लिए। डिस्टेंस एंड रोड कंडीशन ऑफ नॉर्थ रूट, ये नॉर्थ रूट का डिस्टेंस और कंडीशन थोड़ा सा मतलब डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में इसलिए दिए क्योंकि ये जो नरेटर का यात्रा है वो इसी रूट से हुआ था। जैसे कि मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशंस आपको कॉमन स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश्ड कर देता है, थोड़ा अलग। ये चैप्टर पढ़ने वाले किसी बच्चे से ये पूछ दिया जाए कि नॉर्दर्न रूट से गया था कि सदर्न रूट से गया था, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत कोई जान पाएगा। तो अगर कहीं इसका यूज़ करने का ज़रूरत पड़ जाए तो आपके आंसर में जो एक्स्ट्रा रिसर्च या मतलब इन्फॉर्मेशन जो रहेगा वो आपके आंसर को वेटेज दिलाएगा। ये बात मैं स्पेलिंग्स के बारे में बोलता हूँ और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बोलता हूँ। तो वो नॉर्थ रूट से गए थे, ये पहली बात। दूसरा कि नॉर्थ रूट से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है नॉर्थ रूट से, कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस,
तो लासा नाम के जगह से दार्चेन तक का डिस्टेंस, उस डिस्टेंस की बात की जा रही है। द टोटल डिस्टेंस ऑफ द रूट, नॉर्दर्न रूट फ्रॉम लासा टू दार्चेन इज अबाउट 1832 किलोमीटर। ये 1832 किलोमीटर ये अपने आप में ही बहुत बड़ा डिस्टेंस है। 1800 किलोमीटर मतलब राउंड अबाउट 2000 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। सोचो कि कितने दिन लग जाते होंगे कैब से भी गाड़ी से भी जाते जाते। 1832 किलोमीटर है किधर से, नॉर्थ रूट से डिस्टेंस। रोड का कंडीशन कैसा है, रोड कंडीशन ऑफ द नॉर्थ रूट इज एपरेंटली इन्फीरियर टू द साउथ वन। इन्फीरियर मतलब उससे कमज़ोर, उससे ख़राब। तो जो साउथ रूट है, दो रूट में से नॉर्थ रूट 1832 किलोमीटर लेकिन रोड का कंडीशन बहुत ख़राब इन कंपैरिजन टू द साउथ रूट। ऐसा नहीं कि साउथ रूट में एकदम चकाचक हाईवे बना हुआ है, नहीं, रोड तो वहाँ भी ख़राब होंगे, पहाड़ी रास्ते हैं, वहाँ का रोड आप इमेजिन कर सकते हो कि हिल स्टेशंस पे रोड कैसे रहते हैं। तो नॉर्थ साइड से ये गए, सेतन इनका कैब ड्राइवर, सोच लो कितना किलोमीटर का साथ था, 2000 किलोमीटर लगभग, अबाउट 1832 किलोमीटर, और रोड का कंडीशन ख़राब। अब जो साउथ का जो रोड है ना, साउथ रूट, नॉर्थ रूट के बारे में इसलिए पहले डिस्कस किए क्योंकि हमारे नरेटर ने यही रूट चुना था, इसी रूट से गए थे। साउथ रूट के बारे में भी थोड़ा सा एक दो बात जान लो। जैसे पहला डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, नॉर्थ रूट के तरफ से जाएंगे तब ज़्यादा है कि साउथ से। तो साउथ वाला रूट का डिस्टेंस कम है, साउथ रूट का डिस्टेंस है 1600 किलोमीटर फ्रॉम लासा टू दार्चेन, 1600। और जो सोच लो अब उससे तुम कंपैरिजन कर लो कि साउथ रूट का डिस्टेंस उसके मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा हुआ, 1832 किलोमीटर है कहाँ, और साउथ रूट जो है जिस रूट से वो नहीं गए वो रूट छोटा डिस्टेंस में था, बहुत छोटा तो नहीं लेकिन अपेरेंटली काफ़ी था। और वो है, यहाँ लिखा कहीं नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है साउथ वन, साउथ रूट से ख़राब हालत थी नॉर्थ रूट की जिधर से गए थे नरेटर। तो साउथ रूट की का जिससे डिस्टेंस पड़ता है आपका 1600 किलोमीटर्स, और वहाँ से रास्ते भी, यहाँ जैसे लिख दिया है कि रास्ता भी, रोड कंडीशन भी ठीक है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ रूट। अब एक ये बात जब जानेंगे तो एक सवाल उठेगा कि भाई 1600 किलोमीटर जिसमें रास्ता भी थोड़ा ठीक है उधर से नहीं गया क्यों,
1832 किलोमीटर जिधर से रास्ता खराब है उधर से क्यों गया? बेवकूफ था ड्राइवर, उसका कैब ड्राइवर जो था सेतन, क्या वो भी बेवकूफ था? क्या वो ठग रहा था इसको उस रूट से ले जा करके? बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। इसका कोई बहुत एग्जैक्ट डेप्थ रीजन कारण मेरे पास भी नहीं है कि क्यों उन्होंने 1832 किलोमीटर्स का रूट चुना। इसका एग्जैक्ट कारण क्या था, मतलब एकदम डेफिनेट, वो मेरे पास भी नहीं है। मैं टेक्स्ट बुक के आधार पर, टेक्स्ट बुक में जितना मैंने पढ़ा है, जो मैं पढ़ाता हूँ, उसके आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे जो नरेटर हैं वो थोड़े एडवेंचरस नेचर के हैं, एडवेंचर उनको पसंद है, इसलिए थोड़ा सा कठिन रास्ता चुना, क्योंकि आसान रास्ते पे एडवेंचर तो नहीं हो सकता है। कठिन रास्ता चुना, परहैप्स में मेरा ये अपना राय है, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। एक तो है कि एडवेंचरस होने के नाते वो रूट चुना जो थोड़ा कठिन था। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि नॉर्थ रूट में जिस रास्ते से, जिधर जिधर से वो रूट जाता होगा, वो भले ही थोड़ा लेंथ में ज़्यादा था, पर शायद वहाँ उस रूट में जो एक्सपीरियंसेस मिलते होंगे वो साउथ रूट में नहीं मिलते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन्स, सीनरीज, ग्रासलैंड्स, एनिमल्स, हर्डर्स, मतलब मेरे कहने का ये है कि ये भी कारण हो सकता है कि बड़ा रूट को चुना जो कि टफ भी था। रीज़न ये भी हो सकता है कि उस रूट में पड़ने वाले जो जगह हैं, शायद उनका भी मज़ा लेना चाहता हो निक मिडिल्टन, तो कुछ सोच समझ के ही वो रोड चुना होगा। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, पर मैं मतलब अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि ये कारण रह सकते हैं। एक वो एडवेंचरस नेचर का था, तो उन लोगों को थोड़ा हट के काम करने का आदत होता है, और दूसरा कि वो उस रूट में, नॉर्दर्न रूट में, भले ही वो रूट लंबा था, पर उस रूट में वो चीज़ें थीं जिनको शायद देखते हुए वो जाना चाहता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको न्यू दिल्ली जाना है बाय ट्रेन, ठीक है, तो बाय ट्रेन न्यू दिल्ली जाने के तो का तो एक ही रूट नहीं ना है, बहुत सारे रूट है। यहाँ तो सिर्फ दो रूट है, नॉर्दर्न एंड सदर्न, मगर
जैसे ट्रेन से दिल्ली जाना है तो मान लो कि झारखंड से, झारखंड के कैपिटल रांची से, रांची स्टेशन से मुझे ट्रेन से जाना है न्यू दिल्ली, तो क्या मेरे पास एक ही चॉइस है, एक ही रास्ता है? नहीं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, जिसको ना हम लोग बोल चाल के भाषा में बोलते हैं वाया, और लेकिन ये बोल चाल में बोलते हैं मगर वो इंग्लिश वर्ड है और वैसे ही लिखाता है VIA, वाया। देखोगे गाड़ी में, बस में जो पैसेंजर बसेस होते हैं ना, उसमें लिखा रहेगा, मतलब रांची से अगर हम को न्यू दिल्ली जाना है और हमको बीच में कानपुर में काम है, हम कानपुर देखते हुए जाना चाहते हैं, तो हम तो कानपुर वाला रूट लेंगे। और मान लो कि बीच में न्यू दिल्ली जाते वक्त बीच में मुझको लखनऊ देखना है, तो उस तो इंटायरली डिफरेंट रूट हो जाता है, पहुंचेगा तो लखनऊ होकर के भी दिल्ली ही, और इलाहाबाद कानपुर होकर के दिल्ली ही पहुंचेगा। लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना कि आप किधर से प्रिफर करते हैं। तो ये दो रास्तों में से नरेटर ने प्रिफर किया नॉर्दर्न रूट जिसका लेंथ 1832, सदर्न रूट जिसका लेंथ यहाँ लिखा नहीं है पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, 1600 किलोमीटर फ्रॉम लासा टू दार्चीन, इतना दूर के लिए हायर किया था सेतन को कैब के साथ हमारे नरेटर निक मिडिल्टन ने। गाड़ी से पहुंचना है 1832 किलोमीटर, रास्ते बीच में बहुत ख़राब मिलेंगे, कहीं कहीं ग्रासलैंड मिलेगा, कहीं कहीं पथरीला रास्ता मिलेगा, कहीं कहीं गडेरिए मिलेंगे भेड़ चराते हुए, कहीं बर्फीला रास्ता से भी कहीं मतलब आपको सामना करना पड़ सकता है कि रास्ता पे बर्फ मतलब ब्लॉक कर दिया। तो नरेटर ने नॉर्दर्न रूट चुना, 1832 किलोमीटर्स का रूट चुना, जिसमें रोड का कंडीशन भी थोड़ा ख़राब था और लॉन्गर भी था। बट मैंने कहा कि इसका रीज़न मैं भी नहीं जानता एग्जैक्टली, बस गेस कर रहा हूँ अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द टीचिंग ऑफ दिस चैप्टर, कि वो एक एडवेंचरस नेचर, और एक कि हमको जिधर जिधर से जो चीज़ देखते जाना है हम तो वही वाला रूट लेंगे। तो शायद नॉर्दर्न रूट में कुछ ऐसी जगहें होंगी जिधर से वो जाना चाहते होंगे, विज़िट करना चाहते होंगे उन जगह को, इसीलिए वो नॉर्दर्न रूट लेते हैं। 1832 किलोमीटर्स याद रखना और 1600 किलोमीटर याद रखना। अब ये जो 1832 किलोमीटर का जो ट्रैवलिंग है फ्रॉम लासा टू दार्चेन, इसको डिवाइड किया गया है, इस इंटायर रूट को डिवाइड किया गया है 8 सेक्शंस में अकॉर्डिंग टू द रोड कंडीशन एज वेल एज ऑन द वे सीनरी। मतलब 1832 किलोमीटर एक ही बार में नहीं नाप देगा, तो इसको ना 8 भाग में डिवाइड किया गया है। देखो 1832 किलोमीटर को 8 का जर्नी को 8 भाग में डिवाइड किया गया, 8 भाग में,
उसमें बताया गया है कि रोड का कंडीशन यहाँ से यहाँ तक कैसा था, और फिर सीनरी ऑन द वे सीनरी वो कैसे थे, और यहाँ लिखते हैं आगे, जस्ट फॉलो अस टू सी व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अलोंग द जर्नी। ये जो 1832 किलोमीटर का नॉर्दर्न रूट का जर्नी है, 8 भागों में बांटा हुआ, तो किस कहाँ से कहाँ तक रोड कैसा था, कहाँ से कहाँ तक कितना किलोमीटर तक कैसा मिला, ऐसे करके दार्चेन तक 1832 किलोमीटर तक हमें पढ़ना है अपने टेक्स्ट बुक में। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि इतना जानकारी जानने के बाद अब आप टेक्स्ट बुक से शुरू करेंगे जब, तो जो लोग भी इतना इन्फॉर्मेशंस देखेंगे, सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उनको ना फर्स्ट लाइन से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जिसको कम समझ में आए, जिसको बाउंस करने लगे कि क्या है, वो बैकग्राउंड वीडियो लेक्चर्स देखो, नोट्स देखो, और तब फिर तुम को निश्चित रूप से पहले के मुकाबले आसानी से समझ आने लगेगा जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। इसके आगे उम्मीद करते हैं अब टेक्स्ट बुक में हम लोग आ पाएंगे, और मैं सभी स्टूडेंट्स से उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि चैप्टर के टेक्स्ट बुक पे आने से पहले चैप्टर का अच्छा खासा बैकग्राउंड जान लिया कीजिए, तो चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, बातें समझ में आएगी तो ऑलरेडी इंटरेस्ट रहेगा, बातें नहीं समझ में आएगा तो फिर इंटरेस्ट कहाँ से रहेगा। तो बात को समझने के लिए आप बैकग्राउंड इसका समझिए अच्छा से, जो मैंने अभी तक के वीडियो लेक्चर्स में बताए हैं। अब मैं टेक्स्ट बुक सेक्शन में एंटर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो शुरू करेंगे। थैंक यू।